हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल द ज्ञानी स्टॉक मार्केट में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मंडे के लेवल के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे इंट्राडे के लिए, वो देख लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें हम जो भी अपडेट डालते हैं स्टॉक और लेवल से रिलेटेड। तो चलते हैं, मंडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे वो देख लेते हैं। जिस प्रकार से निफ्टी फिफ्टी के अंदर हमें जो बाइंग देखने को मिली है, ये बाइंग जो है आईटी सेक्टर के कारण हमें आती हुई दिखाई दी। आज आईटी सेक्टर के अंदर तकरीबन 5% का मूव था, जिसके कारण निफ्टी फिफ्टी इतना बेहतरीन मूव करके गया। और आज जो है निफ्टी फिफ्टी नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। 24,592 का जो है निफ्टी फिफ्टी का नया ऑल टाइम हाई लग चुका है। और यहाँ से आप देख सकते हो, पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें डाउन साइड पे मूव आते हुए दिखाई दे रहे थे, जहाँ से ये लग रहा था कि निफ्टी फिफ्टी वापस से अप्रोच करने वाला है 24,000 की तरफ। पर ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी फिफ्टी ने 2 या 3 दिन आपको डाउन साइड पे मूव दिखाया तो है, पर आज जिस प्रकार से आईटी सेक्टर के अंदर मूव आया, उसका सपोर्ट मिला, आज निफ्टी फिफ्टी ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। और 24,502 की हमें जो है एवरेज क्लोजिंग देखने को भी मिल चुकी है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाते हुए चल रहा था। और एक लेवल मैंने आपको बताया था 24,150 का लेवल। इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी फिफ्टी सरकेगा तो एक बारी को बियर्स हावी होते हुए दिखाई देंगे, अदरवाइज ये ट्रैप करेंगे, दिखाएंगे कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और अचानक से किसी न किसी हैवी वेट स्टॉक के अंदर बाइंग आएगी और निफ्टी फिफ्टी को ऊपर लेके चला जाएगा। तो एग्जैक्टली आज आईटी सेक्टर के अंदर काफ़ी बेहतरीन बाइंग देखने को मिली, जिसके कारण निफ्टी फिफ्टी ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। और यहाँ से बहुत ही जल्द निफ्टी फिफ्टी आपको 24,700 की तरफ अब अप्रोच करता हुआ दिखाई देने वाला है, यानी कि 800 के आसपास जो है निफ्टी फिफ्टी डेफिनेटली अप्रोच करेगा। यानी कि मंडे का दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाला है निफ्टी फिफ्टी के लिए। और आने वाला 23 जुलाई का जो दिन होगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 23 जुलाई के आसपास आपको बजट आता हुआ दिखाई देगा, डेफिनेटली उस दिन भी बड़े मूव होने के चांसेस बनेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और 17 तारीख का जहाँ तक ये छुट्टी है, तो वो चीज़ आप देख लेना एक बारी, 17 तारीख को मार्केट जो है बंद रहेगा, तो वो चीज़ भी आप थोड़ा सा नोटिस करके आपको चलना है, ठीक है। तो मंडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे वो देख लेते हैं। आज इतने बेहतरीन मूव के बाद मंडे के दिन मार्केट किस तरीके का रहेगा, तो देखो कल मैंने एक लेवल आपके लिए डिस्कशन किया था अपसाइड पे, 24,445 का लेवल मैंने समझाया था आपको। अगर अपसाइड पे कोई मूव आता है तो 24,445 का लेवल ध्यान में रखेंगे। और डाउन साइड पे आपको ध्यान रखने के लिए मैंने बोला था 24,340 का लेवल। तो अगर आपने देखा होगा, गैप अप आने के बाद जब निफ्टी निफ्टी अपसाइड पे जाता है तो 24,445 यानी 440 के आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। और इस रेजिस्टेंस के कारण निफ्टी फिफ्टी वापस से नीचे आता है। और नीचे कहाँ पे आता है, 24,340 यानी कि इस लेवल पे अगर आप देखोगे 24,340 पे हमें सपोर्ट देखने को मिला। और जब निफ्टी फिफ्टी ने ये सपोर्ट लिया तो वापस से जब इसने ब्रेकआउट किया है 24,440 को, तो यहाँ से जो हमें ब्रेकआउट देखने को मिला 10 से 15 मिनट के अंदर ही निफ्टी फिफ्टी ने तकरीबन 150 से 200 पॉइंट की रैली हमें दे दी थी। तो इसलिए मैंने आपको समझाया था कि डाउन साइड पर आपको 24,340 के पे ध्यान रखना है। अगर यहाँ रुका तो वापस से आपको अपसाइड जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर 24,445 पे रेजिस्टेंस फेस किया तो यहाँ से आपको गिरावट आती हुई दिखाई देगी। तो एग्जैक्टली हमारे दोनों लेवलों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया आज किया, और वहाँ से हमें ठीक ठाक मूव देखने को मिला, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल मूव बना के गए हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, कोशिश करें हमेशा लेवल नोट डाउन करें। जब आप लेवल लिख के जाएंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि आपको कहाँ पर ट्रेड लेना है और कहाँ पर उसको छोड़ देना है। नहीं तो आपको हमेशा मार्केट के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर आपको ट्रेड लेने का मन करता रहेगा। अगर आपको अपने लेवल्स पता होंगे, अपने रूल्स पता होंगे, तो आप कभी भी मार्केट के अंदर मार नहीं खाएंगे। तो मंडे के लिए कौन से लेवल अब इम्पॉर्टेंट रहेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपसाइड के लेवल के लिए। देखो अपसाइड पे आपको ध्यान रखना है निफ्टी फिफ्टी के अंदर 24,515 का लेवल। जिस प्रकार से आज हमें अपसाइड पे बाइंग आती हुई दिखाई दी है और क्लोजिंग भी काफ़ी बेहतरीन मिली है, तो ध्यान रखना है 24,515। अगर निफ्टी फिफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, हमारे टारगेट रहेंगे 24,550 का, ठीक है। इंटर डे के लिए हम 24,550 का पहला टारगेट रखेंगे।
अगर 24,550 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर फर्दर मूव इसके लिए 24,580 का बनेगा जो इजी मूव बनने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 24,550 के बाद 24,580 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, और अगर 24,580 निकालता है तो फिर फर्दर मूव इसके लिए 24,610 का बनेगा। ये लेवल बहुत क्रूशल होने वाला है निफ्टी निफ्टी के लिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलनी होगी। अगर 24,610 के ऊपर गैप डाउन आ जाए, ध्यान रखना है इस लेवल पे आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई देगा निफ्टी निफ्टी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 24,600 का मंडे के लिए, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर गैप अप आता है 101 पॉइंट का तो ये लेवल बहुत क्रूशल होने वाला है निफ्टी निफ्टी के लिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के मंडे के लिए प्ले करना होगा। तो डाउन साइड के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे वो देख लेते हैं। तो डाउन साइड पर आपको ध्यान रखना है 24,480 का लेवल, 24,480 का लेवल आपको मार्क करके चलना है। अगर निफ्टी फिफ्टी इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ से आपको जो गिरावट आती हुई दिखाई देगी वो 24,440 की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। अगर 24,440 का सपोर्ट नहीं बना तो फिर फर्दर सपोर्ट आपको 24,400 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि इंट्राडे में मंडे के दिन आपको 24,400 की तरफ फिर सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। अगर 24,480 खा सकता है तो 24,440, और फिर 24,440 नहीं सपोर्ट बना तो 24,400 की तरफ आएगा, और 24,400 के बाद एक डिप ले सकता है जो इसको 24,360 की तरफ लेके जाएगा, यानी कि यहाँ कहीं पे आपको जो है निफ्टी फिफ्टी के लिए सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये लेवल आपको डाउन साइड पे ध्यान रख के चलना है। और अगर कोई गैप डाउन आ जाए, ध्यान रखना है अगर कोई गैप डाउन आता है और ये गैप डाउन 100 पॉइंट का हुआ तो 24,400 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से आपको सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा, तो इस लेवल को आपको मार्क करके चलना है मंडे के लिए। ठीक है, एक बार इसका ओआई डाटा देख लेते हैं। तो आज देखो निफ्टी फिफ्टी की हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है 24,502 की। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे 24,500 पर, तो 24,500 पे कॉल साइड पे 157,000 के आसपास कॉल राइट है और 46,000 का आपको ओआई चेंज दिखेगा, जबकि पुट साइड पे 259,000 के आसपास पुट राइट की गई है और 217,000 का ओआई चेंज हुआ है। तो बड़ी मात्रा में पुट साइड पे लोगों ने पुट राइट करके बैठे हुए हैं, शायद इनको लग रहा है कि मंडे के दिन गैप अप आने वाला है, तो इसलिए शायद ये पुट राइट करके जा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, मात्र 2 ही पॉइंट जो है 500 से ऊपर के ऊपर क्लोजिंग आई है, और जिस प्रकार से यहाँ पे पुट राइट करके गए हैं तो शायद इनको लग रहा है कि मंडे के दिन इनको 100-150 पॉइंट का गैप अप दिखने वाला है जो इनको प्रॉफिट बना के देगा, क्योंकि बड़ी मात्रा पे इन्होंने पुट राइट करके बैठे हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे 24,600 पे 130,000 के आसपास यहाँ पे कॉल राइट करके गए हैं, 24,700 पे 118,000 के आसपास कॉल राइट हैं, तो अप साइड पे जो आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी फिफ्टी वो 24,610-620 के आसपास दिखाई देगा। अगर 24,610-620 निकला तो फिर डेफिनेटली 70-80 पॉइंट की रैली फिर आपको अप साइड पे आती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा केयरफुली होके मंडे के दिन प्ले करना होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे डाउन साइड पे 24,400 पे 263,000 के आसपास पुट राइट करके बैठ चुके हैं, तो ध्यान रखना है अगर कोई गैप डाउन आता है तो ये लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है और ये बाउंस बैक कर सकता है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं हुई तो यहाँ से डेफिनेटली आपको बाउंस बैक होता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रख के मंडे के लिए चलना होगा। ठीक है, एक बारी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए मंडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। निफ्टी के अंदर हमें अपसाइड पर मूव आता हुआ दिखाई दिया, पर किसी बैंक का ठीक ठाक सपोर्ट ना मिलने के कारण वापस से बैंक निफ्टी अपने उन्हीं लेवल पे बंद हुआ जहाँ पे कल बंद हुआ था। तो आपको क्या ध्यान रखना है मंडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपसाइड के लेवल के लिए। तो आपको ध्यान रखना है 52,310 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी 52,310 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से आपको जो है अप साइड पे मूव आता हुआ दिखाई देगा, और हमारा जो पहला टारगेट बनेगा इंट्राडे के अंदर वो 52,400 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको 52,400 पे देखने को मिल सकता है। अगर 52,400 का लेवल निकलता है तो फिर फर्दर मूव आपको 52,500 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि इस एरिया पे डेफिनेटली अटकेगा,
क्योंकि जब वापस नीचे आ रहा था तो यहाँ पर सपोर्ट बना था और ये सपोर्ट कटा था। तो ध्यान रखना है 52,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस एरिया फेस करता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी, और अगर बैंक निफ्टी 52,500 का निकालता है लेवल तो फिर फर्दर मूव इंट्राडे के अंदर 52,600 की तरफ आपको इंट्राडे में मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आप प्ले कर सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करें डाउन साइड के लेवल के लिए, देखो डाउन साइड पर आपको ध्यान रखना है 52,250 का लेवल, 52,250 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लेवल मैंने कल भी समझाया था और आज ही बता रहा हूँ कि अगर इस लेवल के नीचे खसकता है बैंक निफ्टी यानी कि नीचे सर का, तो यहाँ से आपको जो गिरावट आती हुई दिखाई देगी 52,150 की तरफ जो है बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा, और इस एरिया में कहीं पे आपको जो है सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। अदरवाइज अगर ये लेवल खसका, चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं खसका, तो 52,030 की तरफ फिर आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा यानी कि फिर इस एरिया में आएगा, और ये एरिया बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 52,030 से लेके 51,920 यहाँ तक आपको बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट दिखाई देगा, और इस एरिया में बाउंस बैक आने के ज़्यादा चांस मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको केयरफुली होकर प्ले करना है। अगर आप कोई पुट लेके जाते हैं तो इन एरिया पे आप अपनी पुट निकाल सकते हैं, नहीं तो वापस से अपसाइड आपको मूव आता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए आपको ये लेवल ध्यान में रखने हैं बैंक निफ्टी में डाउन साइड पे। अगर कोई गैप अप आता है तो ध्यान रखना है 52,600 का लेवल मार्क करके चलेंगे आपकी बारी हम। अगर इस लेवल पे गैप अप आया और ये लेवल नहीं ऊपर निकला तो फिर आपको गिरावट आती हुई दिखाई देगी यानी कि यहाँ पर आपको निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस एरिया दिखाई देगा। और अगर कोई गैप डाउन आता है और ये गैप डाउन 52,030 और 51,980-970 के आसपास आया तो डेफिनेटली इस एरिया पे आपको बैंक निफ्टी का सपोर्ट एरिया बनता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ से आपको बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये लेवल आपको डाउन साइड पे ध्यान में रख के प्ले करने होंगे मंडे के दिन, ठीक है। एक बार इसका ओवर डाटा देख लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी की हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है 52,278 की। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे 52,500 पे 150,000 के आसपास कॉल राइट करके गए हैं और 43,000 का ओआई चेंज हुआ है। तो ध्यान रखना है अगर कोई गैप अप आता है तो 52,500-52,600 के आसपास डेफिनेटली आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई देगा और इस एरिया से गिरावट आ सकती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर 52,600 के ऊपर टिक जाता है तो एक बारी को मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है आपको 52,800-900 की तरफ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 52,500-600 का लेवल। अगर इसके ऊपर टिका बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली आपको अपसाइड के लिए जाता हुआ दिखाई देने वाला है। वहीं पे अगर कोई गैप डाउन आता है तो आपको ध्यान रखना है 52,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 125,000 के आसपास यहाँ पर आपको पुट राइट देखेंगे। 11,000 का अभी भी ओवरबाई चेंज हुआ है तो ये एक सपोर्ट एरिया बनने वाला है। 52,030 और 51,950-950 के आसपास से डेफिनेटली बाउंस बैक आ सकता है अगर कोई गैप डाउन आया, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं हुई तो ये एरिया सपोर्ट का काम करने वाला है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा बैंक निफ्टी के लिए मंडे के दिन के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती, कोई लेवल नहीं समझ आ रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको समझाएंगे, सही तरीके से बताएंगे ताकि आप ठीक तरीके से अपने लेवल के अकॉर्डिंग प्ले करके अपना प्रॉफिट बनाएं। अगर आपको अपने लेवल पता होंगे तो डेफिनेटली आप डेली प्रॉफिट बना के जाएंगे, विदाउट लेवल अगर ट्रेड लेने जाएंगे डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम बनी रहेगी, ठीक है। तो आप कमेंट करें, कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है हम उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।